मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह एवं निकाय योजना के तहत 80 जोड़ों का विधि विधान से विवाह संपन्न हुआ। इससे सामूहिक विवाह समारोह में आए अतिथियों ने सभी वर वधुओं को आशीर्वाद दिया और उनके सुखमय जीवन की मंगल कामनाएं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना के जरिए प्रदेश के कई जिलों में सामूहिक विवाह के कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। इसी के तहत सिंगरौली में भी सामूहिक विवाह का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें 80 जोड़ों का विधि विधान और मंत्र उच्चारण के साथ बड़े ही धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। इन सभी जोड़ों को उपहार के तौर पर सामग्री का वितरण किया गया और साथ ही कार्यक्रम में आए अतिथियों ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कमलेंद्र प्रताप सिंह सहित शासन प्रशासन के अन्य सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह के कुल 133 फॉर्म पड़े थे, जिसको हमने सूक्ष्म परीक्षण अपने एडीओ पीसीओ और हमारे जो सचिव जीआरएस से मैंने घर घर जाकर के करवाया, और जिसमें परीक्षण के उपरांत जिसमें से 33 जो फॉर्म थे वो कहीं ना कहीं कुछ में उम्र के कारण, कुछ में अन्य कुछ कारण त्रुटियां पाई गई, तो जिसको उनको कैंसिल कर दिया गया और 80 जोड़े पात्र पाए गए। 80 जोड़ों के का आज विवाह संपन्न हुआ है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।